बात करेंगे राजा सुमीर सिंह की, लेकिन राजा सुमीर सिंह की बात करने से पहले हम जानेंगे उनसे पहले के कुछ बातें जो कि उनके पूर्वज थे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता चलेगा राजा सुमीर सिंह का शासनकाल क्या था। मैं पहले एक बात बोलना चाहूँगा, शायद आपको गलत लगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। राजा सुमीर सिंह का जो काल था वह मोहम्मद गौरी के आसपास का नहीं था, ना ही पृथ्वीराज चौहान के आसपास का था। ये बात बहुत गलत है और हर जगह यही लिखा हुआ है। अगर आप नेट पर सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत बातें लिखी हुई हैं, बहुत ब्लॉग स्पॉट में आपको जहाँ भी देखिए आप ब्लॉगर लिखते हैं कि राजा सुमीर सिंह का कार्यकाल मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 1192 के आसपास का था, जिसमें कि वह मोहम्मद गौरी से लड़ाई करते हुए मर गए। लेकिन यह बहुत गलत है और इसको शायद एक जगह किसी ने बोल दिया और वही बातों बातों में आदमी आगे बढ़ाता रहा, यह बिल्कुल ही गलत है। तो जो जिन लोगों को डाउट है वो हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि राजा सुमीर सिंह का जो कार्यकाल था वह 1370 से 1421 के आसपास था। राजा सुमीर सिंह की मृत्यु जो हुई वो 1421 में हुई। तो बहुत से लोग बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे और जयचंद के सामंत थे, लावर का युद्ध हुआ था उसमें जयचंद के साथ में सुमीर शाह ने भी हिस्सा लिया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप हिस्ट्री को सही से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पृथ्वीराज के वंशज थे, उनकी कई पीढ़ियों के बाद में सुमीर शाह पैदा हुए। वह 200 साल के बाद पैदा हुए, वह 1200 के आसपास नहीं थे, वह सन 1380 के आसपास इटावा आए और उन्होंने यहाँ पे मेवे और भारत जातियाँ थी उनको नेशनलाइज किया और यहाँ पे एक साम्राज्य खड़ा किया। अब डाउट है तो वो क्लियर करते हैं पहले। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 1192 में पृथ्वीराज चौहान से। तो तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र जिसका नाम कि गोविंद राज थे, वो चले गए राजस्थान और वहाँ पे रणथंभौर में जाके वहाँ पे राज किया। उन्हीं की संतानों में आगे जाके पीढ़ियों में एक राजा हुए हमीर देव चौहान। हमीर देव अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो उनकी हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है, वो मैं यहाँ नहीं डिस्क्राइब करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको हमीर सिंह की हिस्ट्री आपको देखनी है तो वह आप सर्च कर सकते हैं। हमीर सिंह ने रणथंभौर का किला बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने 3 बार हराया, वह बहुत ही ज़्यादा हठी थे। हमीर देव के वंश में आगे जाके एक राजा हुए उद्धव राव, जिनकी की 6 रानियाँ थीं और 18 पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों में से एक पुत्र थे सुमेर शाह, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर और पराक्रमी थे। तो उस वक्त तुगलक सल्तनत थी दिल्ली में और 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास इटावा के आसपास के एरिए में दो कौम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थीं, जो कि थी मेवे और भर। और यह कौमें आपस में ही लड़ती रहती थी और लूटपाट करती रहा करती थीं। इनसे दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा परेशान थी और कहते हैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि दिल्ली सल्तनत जो गेट है किले का, वह सूरज ढलने से पहले ही बंद कर दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं यह कितने शक्तिशाली थे। और यह एक दोनों जातियां युद्ध प्रिय जातियां थीं और यह लोग छोटे छोटे गुटों में रहा करते थे और कोई भी कर नहीं दिया करते थे दिल्ली सल्तनत को। तो इन्हीं को दबाने के लिए उस वक्त फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे, उन्होंने सुमीर शाह को आमंत्रण किया इस जगह आने के लिए। और राजा सुमीर सिंह ने अपने चुने हुए वीरों से इटावा के इस एरिए में आए और उन्हें यहाँ पर आकर उन्होंने दी मेवे और भर को दबाया और इस पे इस एरिया पर अधिकार किया। 1152 गांव जीत लिए और इटावा के इस जगह पर आकर जहां आज हम खड़े हुए हैं उस जगह पर आके एक किला बनाकर रहने लगे। फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका बेटा मोहम्मद शाह तुगलक 1389 में दिल्ली गद्दी पर बैठा और उसने इटावा पर आक्रमण किया और उस आक्रमण का जवाब ग्वालियर के राजा वीर सिंह और इटावा के राजा सुमेर शाह ने दिया और युद्ध काफ़ी दिनों तक चला। और उस युद्ध के बाद संधि हुई और संधि में एक निश्चित कर की राशि दिल्ली सल्तनत को देने की बात कही गई। इस संधि के 2 वर्ष बाद ही 1392 में ग्वालियर के राजा नरसिंह, इटावा के राजा सुमेर सिंह और भोगांव के राजा रणवीर सिंह बाहन ने मिलकर पुनः विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर के राजा नरसिंह से लड़ने के लिए इस्माइल खां को भेजा गया, लेकिन शेष 2 हिंदू सेनों से लड़ने के लिए मोहम्मद तुगलक खुद आया। और इस युद्ध के बाद भी संधि हुई। इस संधि के कुछ महीनों के बाद ही राजा सुमेर सिंह ने बिलग्राम एटा में जो जगह है उस पर आक्रमण कर दिया और उसको बचाने के लिए मोहम्मद तुगलक दिल्ली से आया और उनकी सेना काफ़ी बड़ी थी और इसलिए राजा सुमेर सिंह पीछे हट गए।
लेकिन रास्ते में 36 घंटे तक युद्ध होता रहा। राजा सुमेर सिंह को वापस हटना पड़ा है, वापस भाग के इटावा आ गए। शाही सेना ने उनका पीछा किया और राजा सुमेर सिंह के इटावा के किले को खाली करके बेहड़ों में चले गए। और जो शाही सेना थी उसने राजा सुमेर सिंह का जो पुराना किला था उसको काफ़ी कुछ तहस नहस किया। तो शाही सेना जैसे ही जाया करती थी इटावा और इसके आसपास के जो राजा थे वह स्वतंत्र हो जाया करते थे। जब तक शाही सेना यहाँ रहती थी, अपने पड़ाव जमा के रखा करती थी, तब तक यहाँ पे उनका राज हुआ करता था। लेकिन जैसे ही सेना लेकर राजा जाया करता था, कोई बड़ा राजा यहाँ से, वह स्वतंत्र हो जाया करते थे। दूसरे वर्ष 1393 में फिर से विद्रोह हुआ, जिसमें राजा सुमेर सिंह और भोगाँव के राजा रणवीर सिंह, इसके अलावा रामपुर के राजा अजीत सिंह और चंदावर के राजा अवैध सिंह भदौरिया ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने अपने सेनापति मुबर्रक मुल्क को भेजा और उसने यहाँ पर आने के बाद अपना डेरा जमाया और संधि की बात की। वह संधि की बहाने इन सबको मारना चाहता था। मुबर्रक मुल्क ने इनको अपने भरोसे में लिया और इन्हें वह ले गया कन्नौज, और वहाँ पे उसका पूरा एक प्लान था कि इनको मार दिया जाएगा। लेकिन सुमेर शाह किसी तरह से बच के चले आए, बाकी के शाही राजा मारे गए। और इस तरह से सुमेर सिंह ने वहाँ पे अपनी जान बचाई अपनी होशियारी से। 1394 में मोहम्मद शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। 1400 के आसपास इटावा, जो दिल्ली सल्तनत और जौनपुर सल्तनत के बीच में था, ने काफ़ी लड़ाइयाँ देखी और सुमेर सिंह उन सभी लड़ाइयों के हिस्सा थे। 1400 के आसपास मल्लू इकबाल खान ने इटावा पर आक्रमण किया। सुमेर शाह ने उनका काफ़ी विरोध किया, लेकिन वह लड़ाई हिंदू सरदार हार गए। और इस लड़ाई के बाद कहते हैं सुमेर शाह ने सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने अपने जो पुत्र थे उनको राजा की गद्दी पे बिठाया। मल्लू इकबाल खान बाद में खिजर खान के साथ एक लड़ाई में मारे गए और कहते हैं 1421 में सुमेर शाह की मृत्यु हो गई। राजा सुमेर शाह ने पूरा जीवन निकाल दिया लड़ाइयाँ करते करते। तो राजा सुमेर सिंह पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे और इन्हीं के वंश में आगे जाके प्रताप ने चकरनगर और सकरौरी के राजा हुए और उन्होंने वहाँ पे राज किया। सुमेर सिंह को कई नामों से जाना जाता था। उनके जो नाम यूज़ किए गए इतिहास में, उनमें सर्वोधन, सूर्योदय, सर्वोदय, राजा सूर, राव सूर, सुमेर शाह, कई नाम से उनको जाना गया। राजा सुमेर सिंह का जो इतिहास है वह बहुत ही संदेहास्पद है और उनके कई नाम होने की वजह से बहुत से इतिहासकार इस बात पर आज भी सहमत नहीं हैं कि उनका सही नाम क्या था और वह कोई एक ही व्यक्ति थे या अलग अलग व्यक्ति थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर करने की। और अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, राजा सुमेर सिंह से जुड़ी हुई काफ़ी और भी बातें हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे और सही से रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे को तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा इसका पार्ट टू। तो अगर आपको राजा सुमेर सिंह जुड़ी कुछ और भी बातें जाननी हैं तो कृपया कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।